पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद आर्टिस्ट ग्रुप की ओर से एक दिवसीय लाइव चित्रण कार्यशाला का आयोजन शहीद स्मारक कंपनी बाग में किया गया। ग्रुप की अध्यक्षा डॉक्टर पुनीता शर्मा के निर्देशन में मतदाता जागरूकता विषय पर सीनियर कलाकारों ने आकर्षक चित्रों को सृजित किया। लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना कलाकारों का मुख्य उद्देश्य रहा। कलाकार नीलम दिवाकर ने एक एक वोट से बूंद बूंद पानी की भांति घटक भरने की तुलना करके डेमोक्रेसी का स्वरूप प्रस्तुत किया। चारू ने किसी भी तनाव दबाव में न आकर अपना कीमती वोट न गवाएं, अपनी मनपसंद सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र में भागीदारी निभाएं। अंकुश प्रजापति ने दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चित्र अंकित किया। मैं चारू गौतम आज यहाँ पर मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग लाइव पेंटिंग कर रहे हैं और मेरा जो टॉपिक रहा है वो यही रहा है कि आने वाले चुनाव में कोई भी अपने प्रेशर में लेकर के अपने माइंड में कोई भी चुनाव का मतलब अपना वोट ना दे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना देश जो है वो लोकतंत्रात्मक है और साथ ही प्रजातंत्रात्मक भी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो हमारा वोटर दिवस है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो अपनी बुद्धि से और शिक्षित को ही चुनाव करें और अपने मत का सही प्रयोग करें और सही सरकार चुने। घर में बैठकर ना सोचें और सभी लोग 23 अप्रैल को अपना वोट देने कीमती वोट देने जरूर है। जिस प्रकार से बूंद बूंद से हम एक घड़ा भर कर पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह से यदि प्रत्येक व्यक्ति वोट डालेगा तो एक एक वोट से एक बहुमूल्य वोट तैयार होगा जो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता हमारे सामने प्रदर्शित कर सकेगा और हमारे मुरादाबाद का है या अन्य किसी जगह का है उसे संचालित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए एक अच्छा नागरिक हमारे समक्ष आएगा। बरखा तुरेहा ने मेरा वोट मेरा अधिकार, स्वाति प्रजापति, निशा, नमीरा, उपासना, सरस्वती, प्रियंका, स्वालेहा, प्रीति, निमेश, मनीष कुमार ने प्रत्येक आयु वर्ग को जो मतदान का अधिकारी है उसका महत्व समझाया। रजनी शर्मा, रचिता ने मतदाताओं को जागरूक करने के विविध पहलुओं पर समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए चित्र बनाए। ये मतदाता जागरूकता पे आज यहाँ एक लाइव वर्कशॉप की गई है जिसमें हमारे सीनियर आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट शामिल करके वोटर्स को जगाने के लिए जो हमारे भारतीय लोकतंत्र से जुड़े हुए जो हमारे मतदाता हैं जिनको वोट का अधिकार है वो अपने अधिकार से वंचित क्यों, उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए और मिल रहा है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यानी कि अब तो सरकार ने इतनी सुविधाएँ दे दी हैं जो अपंग हैं उनको भी अलग से लाइन है, अलग से उनके लिए हर तरह की सुविधा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ हमारे चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं और ये समाज को एक संदेश देने की का प्रयास किया है कि कोई भी अपने घर में ना बैठे जो वोट देने के लायक है, मतदाता है, वो पोलिंग बूथ पे जाए, अपना वोट का सदुपयोग करें। सदुपयोग का मतलब किसी के बहकावे में ना आए, किसी के दबाव में ना आए। एक घर में भी अगर रहते हैं और अगर मतभेद हैं तो वो अपने ही सोच विचार करके वोट दें।